भारतीय टीम ने दूसरे दिन जीत लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC का फाइनल मुकाबला और टीम इंडिया ने कर दिया चमत्कार, ऑस्ट्रेलिया टीम को बुरी तरीके से रौंदाला। दोस्तों अभी भारतीय टीम के सच्चे वाले फैन हो और आप जानना चाहते हो टीम इंडिया ने दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराया WTC का फाइनल, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों WTC का फाइनल मुकाबला लंदन के मैदान पे शुरू हुआ इंडिया ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच में, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर ने 43 रन लगाए। उस्मान ख्वाजा को मोहम्मद सिराज ने बिना कोई खाता खोले आउट कर दिया। हालांकि उसके बाद स्टीव स्मिथ ने 121 रन लगाए और दोस्तों त्रिवे चहर तो स्टीव स्मिथ के भी बाप निकले, 174 गेंदों में कूद डाले 163 रन। अंत मार करके एलेक्स कैरी ने 69 गेंदों में 48 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाए दूसरे दिन के लंच को खत्म होने के बाद 469 रन और फिर ऑल आउट हो गई, जिसमें टीम इंडिया के घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाई। समी और ठाकुर ने 2-2 विकेट चटकाई। जड्डू ने 1 विकेट चटकाया। दोस्तों टीम इंडिया की बारी आई बल्लेबाजी की। दूसरे दिन के खेल खत्म होने से पहले मारफे रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को धोखा दे दिया और मात्र 15 रन के स्कोर पे पैट कमिंस ने LBW आउट कर दिया। हालांकि उसके बाद सोमन गिल ने बहुत अच्छी पारी खेली और टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा दिया 30 रन पे 1 विकेट। और अभी टीम इंडिया को 439 रन और बनाने होंगे, तब जाके बराबर हो पाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहली पारी का स्कोर।